नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एमकेएस माइसनी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे जो अपना आज का टॉपिक है नॉलेज ऑफ BMS। जो बच्चे BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके माइंड में हजारों सवाल होते हैं, तो उन सवालों को दूर करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ कि भाई नॉलेज BAMS होता क्या है, ठीक है, कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है इसका, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें एडमिशन के लिए, कितने साल स्टडी करना होता है, ठीक है, आपको डिग्री कितने दिनों बाद मिलेगी, वो सारे जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेरी होती है, क्या BMS में एडमिशन लेना सेफ है, तो ये सारे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है अपना नॉलेज ऑफ BMS, सबसे बड़ी बात कि BMS होता क्या है। BMS एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए एक कोर्स है, ठीक है, आयुर्वेदा डॉक्टर, ठीक है, जिसको अपन वैद्य भी बोलते हैं और डॉक्टर भी बोलते हैं। क्लियर कि BMS में क्या होता है कि BMS एक डिग्री का नाम है जिससे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य बनते हो। जो भी अपनी सुविधा के अनुसार वैद्य लगाना चाहे तो वैद्य लगा सकता है, कोई अपनी सुविधा के अनुसार डॉक्टर लगाना चाहे तो नाम करके डॉक्टर लगा सकता है, ठीक है। अब इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपको 12th पास होना चाहिए विद बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है BAMS में एडमिशन लेने के लिए। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है, तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास क्वालिफिकेशन है 12th बायोलॉजी से की है तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है। आपको इसके लिए नीट का एग्जाम देना होगा। अब नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है, मतलब ऐसा नहीं कि विदाउट नीट एडमिशन हो जाए। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि विदाउट नीट BMS में एडमिशन ले रहे हैं, वहां पे हमको कॉल आया कि हम 10 लाख में एडमिशन करा देंगे, हम आपको गारंटी देते हैं आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, तो वो सब फर्जीवाड़ा है, फ्रॉड है, आपको उन चीजों से दूर रहना है। तो तीसरा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, नीट का एग्जाम देना। नीट के एग्जाम देने में भी ये होता है कि क्वालिफिकेशन करना, जो आपके मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क है ना कैटेगरी के अनुसार, जैसे जनरल के अलग होते हैं, ओबीसी के अलग होते हैं, एससी के अलग होते हैं, एसटी के अलग होते हैं, ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना जो क्वालिफिकेशन है, नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। जो बच्चा नीट क्वालिफाइड नहीं है वो BMS में एडमिशन लेने के लिए काबिल नहीं है। अगर कोई बस ऐसा बच्चा एडमिशन लेता भी है, किसी मतलब बोलते ना कि फोन कॉल के चक्कर में, फ्रॉड के चक्कर में फंस भी जाता है, तो उसका एडमिशन इनसिक्योर है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तीन क्वेश्चन क्लियर हो गए कि भाई BMS का मैंने बता दिया क्यों करते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भाई BMS का क्या बोलते हैं, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए 12th विद नीट क्वालिफिकेशन। अब आता है BMS की फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। देखो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, अब BMS ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आता है BAMS का मतलब ड्यूरेशन कितना, कितने साल स्टडी करनी पड़ेगी, कितने ईयर है इसमें। तो आपके तीन प्रोप होते हैं, फर्स्ट प्रोप, सेकंड प्रोप, थर्ड प्रोप, ठीक है। फर्स्ट प्रोप होता है 18 मंथ का, सेकंड प्रोप होता है 18 मंथ का, थर्ड प्रोप होता है 18 मंथ का। तो 18 × 36 = 54, कितने हो गए 4.5 साल। तो आपको 4.5 साल स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तीन मतलब तीन ईयर होते हैं, BMS फर्स्ट ईयर, BMS सेकंड ईयर, BMS थर्ड ईयर, मतलब 18 मंथ के तीन हो गए। तो 18 मंथ का फर्स्ट ईयर, 18 मंथ का सेकंड ईयर, 18 मंथ का थर्ड ईयर, इस तरीके से 4.5 साल आपको स्टडी करनी है। जैसे ही आप 4.5 साल स्टडी करोगे फिर आपको एक साल के लिए इंटर्नशिप, इसको कंपलसरी है कि विदाउट इंटर्नशिप आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपको एक साल 6 महीने आयुर्वेदा हॉस्पिटल में और 6 महीने एलोपैथी जो मॉडर्न हॉस्पिटल उनमें आपको ड्यूटी करनी होगी, ठीक है, वहां पे आपको काम करना होगा। तो इस तरीके से 4.5 साल प्लस एक साल कितने हो गए 5.5 साल तक आपको स्टडी करनी है, तब जाके आपको BMS की डिग्री मिलेगी। अब आता है कि BMS क्यों ज्वाइन करें। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि BMS में स्कोप ही नहीं है। तो ये स्कोप का जो वीडियो है ना कि भाई फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, अगर MBBS नहीं मिला तो BMS ले सकते हैं क्या, क्या हम यहाँ पे सेफ रहेंगे क्या, तो बहुत सारी क्वेश्चन होते हैं, उनका जवाब मैं अलग अलग वीडियो में बनाता रहूंगा। तो अगर आपको इन सारे सवालों से संबंधित वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से आपको रिक्वायरमेंट है वीडियो की, उसी के अनुसार मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो ये BMS का एक मिनी इंट्रोडक्शन था। जो भी विदाउट नीट एडमिशन लेते हैं, फ्रॉड कॉल के चक्कर में फंसते हैं, मेरा सीधा सा मकसद यही था इस वीडियो का कि ऐसे चक्करों में ना फंसे। BMS का मैंने बता दिया, BMS में बहुत सारा स्कोप है, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोप है, इवन मेरी नजर में तो सब कुछ बेस्ट है, BMS से बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। और जो बच्चा MBBS की तैयारी करना चाहते, देखो जनरली बोलूं कि कोई BMS को ऐसे नहीं चुनता कि हाँ मुझे BMS लेना है, सब PMT की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, MBBS लेना चाहते हैं,
ठीक है, जब एमबीबीएस नहीं मिल पाता तो अपन आयुर्वेदा में आया था। मैं भी ऐसे ही आया था, मैंने भी 2 से 3 साल तैयारी की थी, लेकिन आज देखो मैं यहाँ पे खुश हूँ। मतलब जनरली बोलो ना, एक तरीके से हैप्पी हूँ। मतलब डेली उठता हूँ कि हाँ मुझे अच्छा लगा कि एमबीबीएस नहीं मिला, मैं आयुर्वेदा में हूँ। इवन मतलब सिक्योर फील करता हूँ मैं खुद को। तो आप भी ऐसा फील करोगे अगर आपको आयुर्वेदा से प्यार है, आपको आके एडमिशन लिया, इसको समझा। तो आई होप आपको बीएमए से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।